हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे गैसीय स्टेट्स, काइनेटिक गैस इक्वेशंस को डिराइव किया था, और उसी गैस इक्वेशन से हम जितने भी गैसेस था हैं उसको डिराइव करेंगे। ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ द गैस लॉस फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशंस। ये गैसीय स्टेट ही है बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, क्लास 11 के स्टूडेंट्स वालों के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, पहले गैस लॉ में हम क्या पढ़ते हैं, बॉयल्स लॉ। तो पहले हम ये समझते हैं कि बॉयल्स लॉ क्या है, तब हम उसको डिराइव करेंगे। ठीक, तो बॉयल्स ने क्या कहा था, इसको हम बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन। बॉयल्स ने ये कहा था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एक एंड फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस, क्या करिए टेम्परेचर को फिक्स कर दीजिए और फिक्स मास ऑफ गैस दीजिए, तब उन्होंने बताया था कि प्रेशर जो होता है वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है। इसको बेसिकली एक्चुअली लिखते क्या है कि पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू कॉन्स्टेंट उनको मिला। और तब यहां से उन्होंने कहा था कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या यू मे राइट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बट माइंड यू, जब भी आप बॉयल्स की बात करेंगे यहां में क्या करेंगे, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स मास, एंड फिक्स्ड मास, जब मास फिक्स हो गैस का फिक्स और टेम्परेचर फिक्स रहेगा तब हम कह सकते हैं प्रेशर और वॉल्यूम क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब बॉयल्स ने बेसिकली क्या किया था, प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम को रिकॉर्ड किया, फिर वॉल्यूम बढ़ाया, प्रेशर को रिकॉर्ड किया, तब देखा कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, कॉन्स्टेंट आता है। तो कॉन्स्टेंट आया तब इसका मतलब है कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक, बट इसके लिए हमें क्या है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स मास ऑफ गैस। ठीक है, चलिए अगर इसको ग्राफिकली दिखाएं, क्योंकि हमको ग्राफ से भी क्वेश्चन आता है, ये एक अलग से आपको फॉर्मूला टाइप का भी क्वेश्चन है बॉयल्स लॉ चार्ट पे। तो प्रेशर और वॉल्यूम में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये क्या आएगा, इनवर्सली आएगा, एक्सपोनेंशियली डिके, या किसी को अगर आपको ऐसे भी कह सकता है कि चलो 1/v और p में ग्राफ कीजिए, या p यहाँ पे आकर 1/v में, तो ये क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। बट ज्यादा जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, जो अक्सर पूछता है, ये आपको आता है कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम और पी में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन हमको मिला। मतलब कि जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हैं फिर भी प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या है, कॉन्स्टेंट है। मतलब प्रेशर आप बढ़ाएंगे, डबल करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, कॉन्स्टेंट है। जैसे आप सपोज कोई भी दो नंबर ले लीजिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे, जैसे 8 × 8 कितना होता है, 64। ठीक, अब हमें क्या करना है कि 64 को कांस्टेंट रखना है, तो हम एक नंबर को अगर डबल करते हैं, जैसे 8 × 16, तो दूसरा नंबर क्या हो गया, इसको हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये नंबर ऑटोमेटिकली क्या होगा, हाफ हो जाएगा, तो कितना आएगा, 4, इन ऑर्डर टू कीप इट्स प्रोडक्ट कांस्टेंट। ठीक, ये ना, तो अगर प्रेशर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, हाफ हो जाएगा, प्रेशर को अगर हाफ करेंगे तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। बट ये सारी कहानी कब होगी, जब टेम्परेचर का मतलब ये हो गया। अब न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लिख दें, क्योंकि कहीं अगर आपको क्वेश्चन मिल जाता है, तो पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो हम क्या ले सकते हैं, P1V1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, फिर क्या कह सकते हैं, चलो P2V2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ऑटोमेटिकली यहाँ से हमको एक बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला मिल गया, P1V1 इक्वल टू P2V2। ठीक, एक लाइन में सीधा सीधा मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ। ठीक है, बेसिकली हमें क्या प्रूफ करना है, तो पहले जानना होगा ना, P2V इक्वल टू कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स मास ऑफ ए गैस, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और P2V इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ से हमारा ग्राफ का क्वेश्चन, या फिर यहाँ से मेडिकल की टेम्परेचर आपको फिक्स रखेगा, चार में से कोई एक पूछेगा, सेंटीग्रेड में P2V2। ठीक, क्लियर। चलिए अब इसको डिराइव करते हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है ना, सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, और पर मॉलिक्यूल के लिए अगर हम निकालते हैं तो हम क्या कहेंगे, हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, डी टेम्परेचर के, नो डाउट। चलिए ये पर मॉलिक्यूल के लिए, अगर इसी को हम काइनेटिक एनर्जी फॉर एन मॉलिक्यूल्स देंगे
तो बोले क्या करेंगे, एक के लिए उतना है तो एन के लिए तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, एम एन यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक, और इस साइन को जब हटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक कांस्टेंट आएगा, ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, वो एम एन यू स्क्वायर यहां में आ गया के इंटू टी, इसके को हम बोल देते हैं एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक, क्लियर, पिछली इसको मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन। अब याद करिए लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, कैनेटिक गैस इक्वेशन को डिराइव किया था, तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट फ्रॉम कैनेटिक गैस इक्वेशन, वी नो दैट फ्रॉम कैनेटिक गैस इक्वेशन बोले क्या था, पीवी इक्वल टू 1/3 एम एन यू स्क्वायर। क्लियर, तो पीवी इक्वल टू 1/3 एम एन यू स्क्वायर, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू। एक हमको पास्टुलेट से मिल गया, पास्टुलेट से क्या आया था, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, सेम टेम्परेचर है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होता है। एक मॉलिक्यूल का हमने मान लिया 1/2 एम यू स्क्वायर, एन मॉलिक्यूल्स माना था कि किसी गैसीय मिक्सचर में गैस में कितने एन मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1/2 एम एन यू स्क्वायर एन से मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइन को डालेंगे तो कॉन्स्टेंट आ गया के। From kinetic equation, PV equal to 1/3 mnu square. ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, यहाँ में mnu square है, यहाँ भी mnu square है, बट यहाँ में क्या है 1/2 है, क्यों, क्योंकि kinetic energy half mv square, यहाँ में 1/3 है, इसको हमें 1/2 बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकली इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया एम एन यू स्क्वायर, यहाँ में हमें क्या मिल गया 2/3, और देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, के इंटू टी। ठीक, क्लियर, मतलब हमें क्या मिल गया यहाँ से, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू 2/3 के इंटू टी। ठीक है, नाउ If temperature is kept constant, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, If at constant temperature, तो अगर temperature हमारा constant होगा, तो 2 तो constant है, 3 तो constant है, K को हम क्या बोलते थे, proportionality constant, और हमने temperature को भी constant कर दिया, तो right hand side of this equation is constant, तो यहां से हम क्या कहेंगे, कि P into V equal to कॉन्स्टेंट, तो अगर पी इंटू वी कॉन्स्टेंट आ गया तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज बॉयल्स लॉ। ठीक, तो बॉयल्स लॉ ने यही था कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स मास ऑफ गैस पीवी इज कॉन्स्टेंट, ये हमने यहां पे क्या हो गया, हेंस दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स। कुछ नहीं करना है, हमें क्या लिखना है, वी नो दैट फ्रॉम द पास्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, द काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, फॉर वन मॉलिक्यूल के लिए 1/2 एमयू स्क्वायर, एन मॉलिक्यूल्स माना था तो एन होंगे, तो क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइन को हटाते हैं तो जनरली कोई ना कोई कॉन्स्टेंट मिलेगा, इस कॉन्स्टेंट को यहाँ पे के लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। ठीक, अब फिर फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन वी नो दैट लिख दीजिए PV equal to 1/3 mn u स्क्वायर, दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, तो यहाँ में 1/2 है बट यहाँ में 1/3 है, तो हमें 1/2 टर्म्स लाना है, इसलिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक, 1/2 mn u स्क्वायर को एक पास कर दिया, अब इसकी जगह पे हमें क्या मिल जाएगा, K T लिख दिया, 2 भी कॉन्स्टेंट, 3 भी कॉन्स्टेंट, K भी कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट मान लिया, तो क्या मिल गया, PV equal to कॉन्स्टेंट, ये हो गया हमारा बॉयल्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, सेकेंड आता है चार्ल्स का, इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन। ठीक, तो चार्ल्स ने कहा था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बट किस कंडीशन में, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड फिक्स्ड मास। ठीक, मतलब क्या हो गया कि V इक्वल टू, यहां से आपको क्या मिलेगा, K
और टी को उठा के आप यहाँ लेके आइए, वी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसी को बोलते हैं चार्ज का फॉर्मूला के लिए हम लिख देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, वी वन बाई टी वन इक्वल टू वी टू बाई टी टू, ये आपका न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक, तो बेसिकली हमें क्या प्रूफ करना है कि प्रेशर को कॉन्स्टेंट कर देना है और ये दिखा देना है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक, मतलब V इक्वल टू यहां से आप क्या कह सकते हैं, कुछ कॉन्स्टेंट आएगा इंटू टेम्परेचर, हमें बस कितना ये प्रूफ करना है। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हमें मैथमेटिकली क्या निकालना है, वॉल्यूम इक्वल टू K इंटू T, मतलब टेम्परेचर इज मल्टीप्लाइड विद सम कॉन्स्टेंट, वो ये हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट चार्ज का। ठीक है, बाकी तो हमने समझने के लिए धीरे धीरे हमें यहाँ पूछेगा नहीं बेसिक वालों के लिए। ठीक, चलिए अब अभी जो हमने पीछे निकाला था इसको डिराइव कैसे करेंगे, अगर आपको सिर्फ चार्ज का पूछा है तो पीछे जाना पड़ेगा। ठीक, तो जस्ट अभी पीछे निकाला था तो हमने क्या लिखा था वहां पे, पी बोले वहां में क्या लिखा था, पी इंटू बी इक्वल टू टू बाई थ्री के इंटू टी। ठीक है, तो जस्ट बॉयज लॉ के केस में जो डिराइव किया था, अब हमें क्या दिखाना है, वॉल्यूम इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू टी, वी को यहाँ छोड़ दीजिए बाकी को उठा के रख दीजिए, तो आप क्या लिख सकते हैं, और वॉल्यूम वी इक्वल टू टू बाई थ्री के, यहां से आएगा तो क्या आएगा, पी इंटू टी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अब इसको ध्यान से देखिए, टू कॉन्स्टेंट है, थ्री नंबर है कॉन्स्टेंट है, के को हमें क्या बोला था, कॉन्स्टेंट बोला था, और पी, अब चार्ज लॉ की बात करते हैं, इफ प्रेशर इज केप्ट कॉन्स्टेंट या इफ प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, पी भी क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट, तो ये जो आपको टर्म दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट। ठीक, इसलिए इसको मान लेते हैं कि कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाई अनदर कॉन्स्टेंट इज अनदर कॉन्स्टेंट, के डैश मान लेते हैं इंटू टी, यहां से हमको क्या मिल गया कि वॉल्यूम इक्वल टू के डैश इंटू टी, और ये है इसलिए यहां से हम क्या लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंट है, इट मीन्स कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब यहां में क्या कह सकते हैं, के डैश इज कॉन्स्टेंट। ठीक, क्लियर, बट ये सारी कहानी कब होगी कि इफ प्रेशर इज केप्ट कॉन्स्टेंट, अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा, के ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, टू आपका पहले से नंबर है कॉन्स्टेंट है, थ्री भी कॉन्स्टेंट है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इफ प्रेशर इज केप्ट कॉन्स्टेंट देन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द चार्ल्स। ठीक, तो हमें जैसे एक लाइन लिख देना है कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड फिक्स्ड मास ऑफ गैस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और V इक्वल टू के इंटू टी या V बाई टी इज कॉन्स्टेंट, एंड देन यहाँ से दो फॉर्मूला बन जाएगा न्यूमेरिकल के लिए। प्रूफ करने के लिए ऑलरेडी बॉयज लॉ में आपने डिराइव किया है, वहां से आप कंटिन्यू कर दीजिए, V इक्वल टू टू बाई थ्री के टी, V निकालना है, P को ट्रांसफर कर दिया, डिवाइड हो गया, टू कॉन्स्टेंट थ्री कॉन्स्टेंट के कॉन्स्टेंट ई कॉन्स्टेंट, ये सारा टर्म कॉन्स्टेंट, इसको के डैश, क्लियर, यहां से हमको क्या मिल गया कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, सो आपसे कहेगा डिड्यूस द चार्ल्स लॉ फ्रॉम द काइनेटिक गैस इक्वेशन, तो हमें ये निकालना है, या फिर डायरेक्टली बॉयज लॉ चार्ल्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, क्लास 11 वालों के लिए तो फिलहाल हमको सिर्फ बॉयज लॉ चार्ल्स लॉ इंपॉर्टेंट है, वहां से न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। क्लियर, ठीक है, थर्ड में आते हैं एवोगाड्रोज लॉ, तो पहले इसको देखते हैं कि ये क्या था, तो एवोगाड्रो ने क्या कहा था, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर फिक्स मास ऑफ गैस कॉन्टेंस इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कॉन्टेंस इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, जैसे कोई मान लीजिए कोई भी दो गैस दे दीजिए, एक गैस यहां में एक गैस यहां में, ठीक, इसका प्रेशर मान लेते हैं P1 है, वॉल्यूम क्या है V1 है, टेम्परेचर क्या है T1 है, और नंबर ऑफ मोल्स N1 है, इसका भी प्रेशर क्या है P2 है, वॉल्यूम क्या है V2 है, टेम्परेचर क्या है T2 है, नंबर ऑफ मोल्स N2 है। ठीक, अब एवोगाड्रो ने ये कहा था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस,
इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कॉन्टेंस इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, ये एवोगाड्रो का स्टेटमेंट है। सो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कॉन्टेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, हमने दो गैस मान लिया, ठीक, दोनों का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख लिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो P1 इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर है तो P1 इक्वल टू P2 और T1 इक्वल टू T2। ठीक, दोनों इक्वल हो गया। इक्वल वॉल्यूम्स, तो इफ V1 इक्वल टू V2 तब हम क्या कहेंगे कि N1 इक्वल टू N2, हमें ये दिखाना है कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर है और दोनों का वॉल्यूम भी सेम है तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। किसी को बोलते हैं एवोगाड्रो लॉ। ठीक, क्लियर। तो किसी भी दो गैस को ले लीजिए, अगर दोनों को सेम टेम्परेचर पे रखे, दोनों को सेम प्रेशर पे रखे, दोनों का वॉल्यूम अगर सेम है तब उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। किस कंडीशन पे, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसी को बोलते हैं एवोगाड्रो लॉ। ठीक, अब हमें इसको क्या करना है, डिराइव करना है। हमें डिराइव क्या करना है, हमें बेसिकली क्या दिखाना है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हमें ये दिखा देना है कि किसी भी दो गैस के लिए अगर हम V1 और V2 सेम है तो N1 और N2 भी बराबर आएगा, इसी को हमें प्रूफ करना है। ठीक, क्लियर, ओके। चलिए इसको डिराइव करते हैं। सो पहले गैस के लिए हम मान लेते हैं कि उसका प्रेशर कितना था P1, तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। ठीक, तो लिख दीजिए फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। चलिए पहले वाले के लिए हम क्या लिखते हैं, पी वन माना था, उसका वॉल्यूम क्या माना था, पी वन, तो पी वन बी वन मतलब पी बी इक्वल टू, चलिए मैं पहले आप फॉर्मूला लिख देता हूँ। काइनेटिक गैस इक्वेशन से क्या था फॉर्मूला, पी बी इक्वल टू वन बाई थ्री एम एन यू स्क्वायर, ये था ना। पहले गैस के लिए लिख रहे हैं, यहां में क्या आएगा, वन बाई थ्री, उसका मास हो गया एम वन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे एन वन और उसकी वेलोसिटी हो गई यू एन स्क्वायर। ठीक, दूसरे गैस के लिए आप क्या कहेंगे, प्रेशर कितना हो गया टू, वॉल्यूम कितना हो गया टू। ठीक, वन बाई थ्री तो सबके लिए बराबर रहेगा, उसका मास हो गया एन टू, एन टू उसका नंबर ऑफ मोल्स हो गया और उसकी वेलोसिटी हो गई यू टू स्क्वायर। ठीक, तो ठीक कहते हैं तो पी वी इक्वल टू वन बाई थ्री एम एन यू स्क्वायर, दिस इज नॉन एज काइनेटिक गैस इक्वेशन। पहले गैस के लिए हमने लिख दिया पी वन बी वन इक्वल टू वन बाई थ्री एम वन एन वन यू वन स्क्वायर, दूसरे गैस के लिए लिख दिया पी टू बी टू इक्वल टू वन बाई थ्री एम टू एन टू यू टू स्क्वायर। एम वन और एम टू क्या बता रहा है, दोनों गैस के लिए मास बता रहा है। ठीक, एन वन और एन टू क्या बता रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहा है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में यहाँ पे थोड़ा इलबोरेट करना पड़ेगा, यू वन और यू टू क्या बता रहा है, वेलोसिटीज ऑफ टू गैसेस। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब स्टेटमेंट पे जाइए, एवोगाड्रो ने क्या था, क्या कहा था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, ये ना, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एट द सेम प्रेशर, क्योंकि ये स्टेटमेंट ही है एवोगाड्रो का, एट द सेम प्रेशर एंड इक्वल वॉल्यूम। ठीक, इक्वल वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हुआ, सेम प्रेशर है मतलब हमने पहले P1 माना था और क्या लिया P2, तो दोनों बराबर होंगे, और इक्वल वॉल्यूम का है इसका मतलब क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू V2। कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ का P1 और यहाँ का P2 दोनों क्या है, भाई बराबर है, यहाँ का V1 और यहाँ का V2 क्या है, दोनों बराबर है, मतलब इन दो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। तो आप फटाक से क्या कहेंगे कि लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड भी इक्वल होगा, नो डाउट। तो हम फटाक से यहां लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू करके भी आप कर सकते हैं,
m1 एंड 2 u2 स्क्वायर, नो डाउट इससे ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन चेक करके यहाँ रखते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये तो स्टेटमेंट ही है वाद्रो का, तो सेम प्रेशर है, मतलब p1 इक्वल टू p2, इक्वल वॉल्यूम कह रहे हैं तो v1 इक्वल टू v2, ठीक। नाउ अब एक और टर्म था यहाँ पे, क्या था, सेम प्रेशर एंड सेम टेम्परेचर। When temperature T of both the gases is same, दोनों गैस का अगर हम temperature same रखेंगे तो हमने क्या पढ़ा था, kinetic energy भी क्या होगा, same होगा। तो 1/2 पहले वाले का m1 u1 square equal to 1/2 m2 u2 square, ये किस condition में आ रहा है, kinetic energy is directly proportional to temperature। Boyle's की भी शुरुआत यहीं से किया था, तो सिंस काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस एट सेम टेम्परेचर, तो टेम्परेचर सेम है तो ये दोनों भी क्या होगा, सेम होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक, नो डाउट यहां से 1/2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, m1 u1 स्क्वायर इक्वल टू m2 u2 स्क्वायर, तो उन दोनों का मास, दोनों मतलब दोनों गैस के मास और वेलोसिटी का स्क्वायर जो होगा वो हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। इसकी कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर मस्ट बी सेम, ठीक, और यहां से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि सेम प्रेशर है सेम वॉल्यूम है, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, मतलब ओवरऑल अब आपको दोनों इक्वेशन को मिलाए अगर हम, 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, m1 u1 स्क्वायर की जगह पे m2 u2 स्क्वायर मिल गया, तो बेसिकली यहाँ से क्या बच गया आपको n1 और यहाँ से क्या बच गया m2, इसी को क्या बोलते हैं एवोगाड्रो लॉ, ठीक, या दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वी गेट n1 इक्वल टू 2, सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द एवोगाड्रो, क्लियर, ठीक, ये ना, इसलिए एवोगाड्रो ने यह कहा था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो कैसे करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशंस, चलिए फिर से मैं एक बार कर देता हूं, फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन, पहले गैस के लिए हम लिखेंगे तो क्या आएगा, P1 V1 इक्वल टू 1/3 m1 n1 u1 स्क्वायर, यदि दूसरे के लिए p2 v2 इक्वल टू 1/3 m2 n2 u2 स्क्वायर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ये आपकी इच्छा, ठीक, वेयर मास, m क्या है मास, n क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, u क्या है वेलोसिटी ऑफ टू गैसेस, m एंड u टर्म्स लिख देना आपको। नाउ एट सेम प्रेशर, एट सेम प्रेशर एंड इक्वल वॉल्यूम, सेम प्रेशर एंड इक्वल वॉल्यूम, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, P1 इक्वल टू P2 एंड V1 इक्वल टू V2, मतलब इन दोनों को आप यहां में अप्लाई करिए तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/3 m1 n1 u1 स्क्वायर, यहां से क्या मिल जाएगा, 1/3 m2 n2 u2 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अब सिंस टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो उनका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, सेम होगा, तो टू गैसेस हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, इसलिए यहां से क्या मिल जाएगा, 1/2 m1 u1 स्क्वायर, यहां भी क्या आएगा, 1/2 m2 u2 स्क्वायर, चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। Now, 3 और 4 को डिवाइड करिए या पुट कर दीजिए वाई, सो ऑन डिवाइडिंग 3 एंड 4 या इक्वल करेंगे, तो 3 ऑन डिवाइडिंग 3 एंड 4 या फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 टेक, तो क्या मिल जाएगा, सीधा सीधा n1 इक्वल टू m2, क्लियर, क्योंकि m1 u1 स्क्वायर इक्वल टू m2 u2 स्क्वायर, यहां से आपको दिखाई दे रहा है, जब आप डिवाइड करेंगे तो यहां से कट जाएगा 1/3 कट जाएगा, यहां बचेगा n1 यहां बचेगा m2, तो या इक्वल करिए या डिवाइड करिए बात देखिए, सो दिस इज नोन एज एवोगाड्रो लॉ, इसी को हम क्या बोलते हैं एवोगाड्रो लॉ, ठीक, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक बार पढ़ना है, बाकी आप रिवाइज करते जाइए, ठीक है।
क्लियर जी। नेक्स्ट आते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्रेक्शन। ठीक, चलिए इसमें क्या कहते हैं, ग्राहम्स ने कहा था कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम लिखते हैं आर, इज प्रोपोर्शनल टू 1/√ ऑफ इट्स डेंसिटी। बट इसके लिए वही है कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, किसी गैस के डिफ्यूजन की रेट जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। इनवर्सली है, मतलब जिस गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी उसका डिफ्यूजन कम होगा। तो ये ठीक वही कहानी है कि एक पतले आदमी को दौड़ा है और एक मोटे आदमी को दौड़ा है, तो 99% लोग क्या कहेगा कि पतला वाला तेज भागेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जिस गैस की मोटा होने का मतलब क्या है, जिस गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी उसका मूवमेंट कम होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका कम रहेगा। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इसको डिराइव करेंगे तो हमने क्या पढ़ा है, फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो फिर क्या लिखेंगे, सिंस वी नो दैट या फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन, लिख दीजिए बोले क्या लिखे, पीवी इक्वल टू 1/3 एम एन यू स्क्वायर, याद हो गया। इसमें एम क्या था, मास ऑफ मॉलिक्यूल, और एन क्या बता रहा था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एम और एन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ लेयर। एम और एन का मतलब हो गया टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, इसलिए हमने क्या लिख दिया, कैपिटल एम। कैपिटल एम इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या हो गया कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, ठीक, क्लियर। चलिए यहां से हमें क्या मिल गया, पी इंटू वी इक्वल टू 1/3 एम यू स्क्वायर, क्लियर। यहां से अगर हम आपसे कहें कि u स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, क्या करेंगे आप, 3 को ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 pv/M, नो डाउट। और अगर हम u निकाले, वेलोसिटी निकाले, तो क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 pv/M, ये ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां में क्या बैठा आपको, प्रेशर, ये क्या है, वॉल्यूम, और ये क्या है, मास। याद करिए कम टर्म पढ़ते हैं, डेंसिटी, डेंसिटी इज नोन एज मास बाय वॉल्यूम, बट यहां में क्या दिया हमें, वॉल्यूम बाय मास आ रहा है, मतलब डेंसिटी का रेसिप्रोकल है। तो यू हमें क्या मिल गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ऊपर में क्या बैठेगा, पी, और नीचे में क्या हो जाएगा, डी, डी का मतलब हो गया डेंसिटी, ठीक। सो वेयर डी इज द डेंसिटी ऑफ द गैस, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब स्टेटमेंट क्या था, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक, तो इफ प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, यहां मैं क्या लिखे कि इफ प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, ठीक, तो देन हमें क्या मिल जाएगा, बोलिए, यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/√ ऑफ डेंसिटी, कोई दिक्कत नहीं, यहां से हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 कांस्टेंट हो गया, P भी कांस्टेंट हो गया, ठीक। अब सिंस रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है, उनके वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, तो सिंस रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसको हम लोग R से लिखते हैं, ये वेलोसिटी बाय टाइम होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब यू की जगह पे हम क्या लिख देंगे, आर 1/√d, इसी को बोलते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो मोलर मास के टर्म में भी निकाल सकते हैं और डेंसिटी के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। सो अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बट किसके, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी, ठीक। तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को भी डिराइव कर दिया, एवोगाड्रो लॉ को भी डिराइव किया, ग्राम चार्ल्स लॉ को भी और बॉयल्स लॉ को भी। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमने पास्टुलेट्स माना था, ठीक है,
और जो काइनेटिक गैस इक्वेशन हमने निकाली थी वो क्या था, हमारा कुछ हद तक सही था, क्योंकि ये जितने भी हमने लास्ट पढ़े थे इनको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड फैक्ट था। ठीक, अब इसको हमने क्या किया, मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया। इससे हमें ये सपोर्ट मिल गया कि जो हमने थ्योरी अज्यूम किया है, जो हमने काइनेटिक गैस थ्योरी को माना था, जो पास्टुलेट्स को माना था, वो कुछ हद तक सही है। ठीक है, क्लियर, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अब यहाँ के बाद हम मतलब गैस के नेचर पढ़ेंगे, आइडियल गैस, रियल गैस, आइडियल गैस जो जितने भी गैस लॉ को फॉलो करता है उसको बोलते हैं आइडियल। और देन उनका डेविएशंस क्या था, वंडरवाल गैस इक्वेशंस को क्या डिराइव किया, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, आइडियल गैस क्या है, वंडरवाल गैस क्या है, दोनों में कैसे चेक करेंगे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे, इसका सेकेंड पार्ट। ठीक है, सो आई होप कि आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। मैथमेटिकल है, ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है, बस करते जाइए, प्रोसीजर्स को फॉलो करिए। ठीक है, सो अगर आज का वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक करके कमेंट करके बताइए। ठीक, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इससे आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो मिलता पर रहेगा। नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑन करके रखिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय जय महाराज।